उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में उस समय हड़कंप मच गया जब ड्रग इंस्पेक्टर ने ऑक्सीजन सिलेंडर की फैक्ट्री में छापामार कार्यवाही की। छापामार कार्यवाही से फैक्ट्री में अफरा तफरी का माहौल बन गया। फैक्ट्री में टीम को एक ही टैंक से कॉमर्शियल और मेडिकल सिलेंडर भरे जा रहे थे, जो खतरनाक है। ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा फैक्ट्री को सीज कर दिया गया। टीम के द्वारा अगली कार्यवाही की जा रही है। मामला मुंडापाड़े थाना क्षेत्र के गाँव अक्का डिलारी का है, जहाँ पर पवन ऑक्सीप्योर प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में ड्रग इंस्पेक्टर नरेश मोहन दीपक ने टीम के साथ छापामार कार्यवाही की। ड्रग इंस्पेक्टर को ऑक्सीजन फैक्ट्री की कई शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसकी शिकायत पर ड्रग इंस्पेक्टर ने छापामार कार्यवाही की है। ड्रग इंस्पेक्टर नरेश मोहन दीपक ने बताया कि छापामार कार्यवाही के दौरान एक ही टैंक से कॉमर्शियल और मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग होते हुए पाए गए। उन्होंने बताया कि जनहित में प्लांट को मेडिकल ऑक्सीजन हेतु बंद कर दिया गया है। मेरा नाम नरेश मोहन दीपक है, मैं एज इंस्पेक्टर ऑफ ड्रग पोस्टेड हूँ मुरादाबाद में। प्राप्त शिकायत पर आज इस ऑक्सीजन की जो निर्माणशाला है, रिफिलिंग का जो लाइसेंस है, वहाँ पर मैं छापा डाला है टीम के साथ, जहाँ ये जो एक ही टैंक है जिसके अंदर मेडिकल और कमर्शियल दोनों की फिलिंग करते हुए पाए गए हैं। ये कमर्शियल के सिलेंडर हैं और ये मेडिकल ऑक्सीजन के हैं। दोनों को फिलिंग एक ही होती हुई पाई गई है, जो कि ग्रॉस वायलेशन है। जनहित में प्लांट का तत्काल जो है मेडिकल ऑक्सीजन के लिए बंद कर दिया, बाकी कार्रवाई आगे चलेगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए।